हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। एंड पिछले वीडियो के अंदर अपन ने क्या किया था, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने सिंपल सी ये एक यूजर टेबल बना ली थी, ठीक है। एंड उससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरडीएस स्नैपशॉट एंड आरडीएस बैकअप। तो उसका आंसर आपको इस ब्लॉग पे मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना लर्निंग ओशन के अंदर। वैसे तो आप AWS वाले टॉपिक पे जाओगे तो आपको यहाँ पे नीचे ही नीचे ये ब्लॉग है, बट हो सकता है जब तक आप विजिट करें मैं और ज्यादा ब्लॉग्स ऐड कर दूं। अभी के केस में ये सबसे नीचे वाला जो लास्ट ब्लॉग है AWS का, वो यही है, ठीक है। अब अपन वापस से अपने RDS वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। RDS के अंदर अपन ने लास्ट टाइम पे क्या किया था कि अपन ने ये एक यूजर टेबल बनाई थी, एंड ये यूजर टेबल बनाई थी तो इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी, पहली लिमिटेशंस मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बोला था कि जो पार्टीशन की होती है, पार्ट होती है प्राइमरी की का, उसके साथ में कोई दूसरा एट्रीब्यूट भी ऐसा हो सकता है क्या जो पार्ट हो जाए आपके प्राइमरी की का? तो उसका आंसर है हाँ। चलिए एक और टेबल क्रिएट करते हैं, यूजर टेबल, एंड इसका नाम देता हूँ मैं हैश की, ठीक है। तो मैंने ये एक बनाया है, एंड आप इसके अंदर देखिए, एंड शॉर्ट की मैं डाल देता हूँ, सपोज सिटी मैंने डाल दिया है। तो अगर आप शॉर्ट की के बारे में यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं टेबल का नेम भी चेंज कर देता हूँ, यूजर टेबल शॉर्ट की, तो यूजर आईडी डाल दिया एंड शॉर्ट की डाल दिया, तो शॉर्ट की में सिटी आप डाल देना। अब वापस से बात करते हैं कि गौरव, पार्टीशन की आपने लास्ट टाइम पे एक्सप्लेन कर दिया था, नाउ अब अपन बात करते हैं कि शॉर्ट की क्या होता है। तो पार्टीशन की सिंपल सा क्या होता था, वो ये बताता था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है या आपका जो आइटम है वो फिजिकल हार्ड डिस्क में किस जगह पे एग्जिस्ट करता है। एंड शॉर्ट की एंड पार्टीशन की, तो जो आपकी जो प्राइमरी की होती है वो कॉम्बिनेशन होती है पार्टीशन की का एंड शॉर्ट की का। और पार्टीशन की क्या बताता है, पार्टीशन की आपको ये बताएगा कि आपका जो आइटम है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर किस लोकेशन पे है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पार्टीशन की जो है वो मल्टीपल यूजर्स की सेम हो। फॉर एग्जाम्पल आप गेम खेलते हैं किसी वेबसाइट पे जाके और वहां पे बहुत सारे अलग अलग गेम है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही गेम खेलोगे, आपने दो अलग अलग गेम खेल लिए, तो अब आपका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, गेम आईडी प्लस आपका यूजर आईडी। या फिर यूं मान लीजिए कि एक स्कूल है और वो स्कूल के अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग सिटी के अंदर है। सपोज मुंबई के अंदर एक स्कूल है और दूसरी स्कूल है जयपुर के अंदर, तो मुंबई के अंदर यूजर आईडी 1 हो सकती है और जयपुर के अंदर भी यूजर आईडी 1 हो सकती है स्कूल के अंदर, राइट। तो अभी यहाँ पे जो आपकी पार्टीशन की है वो यूनिक, जो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि यूनिक कर रहे थे अपन, हर बार यूजर आईडी अलग अलग देनी पड़ रही थी, अपन सेम यूजर आईडी दे रहे थे तो वो इंसर्ट नहीं कर रहे थे, बट अब यहाँ पे वो इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। बट अगेन द कॉम्बिनेशन अलग होना चाहिए, यूजर आईडी और सिटी का कॉम्बिनेशन अलग अलग ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड होगा क्या कि अगर दो ऑब्जेक्ट जिनकी पार्टीशन की सेम है वो सेम ब्लॉक पे जाके, हार्ड डिस्क के अंदर सेम ब्लॉक पे जाके ही स्टोर होंगे एंड वो सॉर्ट रहेंगे बाय सिटी या जो भी आपका सॉर्ट की रहेगा उसके हिसाब से। बाकी सब कुछ डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ, एंड क्रिएट टेबल पे मैंने वापस से क्लिक किया, ठीक है। एंड अभी एक चीज और, जब तक ये टेबल क्रिएट हो रही है मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि अभी आप यूजर्स टेबल पे जाओ एंड आप इंडेक्स पे जाओ या फिर ओवरव्यू पे जाते हैं, एक्शन पे जाते हैं, तो आप देखिए आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप पार्टीशन की या सॉर्ट की ऐड कर सके। देखो देखिए नहीं दिखेगा, आप इंडेक्सेस में और इंडेक्सेस ऐड कर सकते हैं, ये अपन आने वाले वीडियोस में देखेंगे, बट पार्टीशन की या सॉर्ट की नहीं डाल सकते, ठीक है। ये जो चीज थी ये वो चीज है जो आप केवल और केवल तब डाल सकते हैं जब आप टेबल क्रिएट करते हैं। नो डाउट आप इंडेक्स में जाओगे एंड सेकेंडरी इंडेक्स जब आप क्रिएट करोगे तो ये वैल्यू वहां पे भी मांगेगा, बट ये जो सब रहेंगी ये सब सेकेंडरी इंडेक्स रहेंगी, प्राइमरी इंडेक्स नहीं रहेगी, ये टेबल क्रिएशन के टाइम पे ही दी जाती है, ठीक है। अभी अपन वापस से चलते हैं अपने यूजर टेबल एंड इसका स्टेटस देख लेते हैं क्या है। इस टेबल का स्टेटस जो है वो आ चुका है एक्टिव। चलिए इस टेबल के अंदर अपन कुछ आइटम ऐड करने का ट्राई करते हैं। तो वापस इस टेबल को तो अपन ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, एक्शन पे जाते हैं एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट आइटम पे, एंड यहाँ पे आप देखिए अब आपसे ये दो चीज मांग रहा है, यूजर आईडी सपोज मैं दे देता हूँ 1 एंड सिटी दे देता हूँ मैं जयपुर। क्रिएट आइटम पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए क्रिएट हो गया। अभी वापस से क्या करते हैं, एक और आइटम क्रिएट करते हैं, यूजर आईडी देता हूँ मैं 1 एंड सिटी आईडी देता हूँ मैं मुंबई, ये भी क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे देखो यूजर आईडी अभी यूनिक नहीं थी अगर आपने नोटिस किया हो तो। एंड अभी सेम वही चीज अपन एक बार वापस से रिपीट करते हैं, यूजर आईडी 1 एंड सिटी जो रहेगी वो जयपुर देते हैं वापस, 1 एंड सिटी देता हूं मैं जयपुर। और भी आप एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं बट अभी मेरे को वो चीज नहीं दिखानी, वो मैं लास्ट वीडियो में दिखा चुका। इस वीडियो में मेरे को केवल ये बताना है कि अगर आप टेबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आप पार्टीशन की एंड सॉर्ट की डालते हैं तो ये उसका कंपोजिट होती है जो आपकी प्राइमरी की होती है, ठीक है। तो अभी देखो कंपोजिट दोनों का सेम हो गया, एंड अभी आप क्रिएट टेबल पे क्लिक करो, क्रिएट आइटम पे क्लिक करोगे तो इसने एरर दिया है, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना जब भी आप ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद में
एक चीज, जब मैं AWS से रिलेटेड वीडियोस देखता हूँ जो मुझे देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर कई चीजें जो बता रखी है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये स्कैन क्वेरी रन करता हूँ, रन पे क्लिक किया तो इसने दो आइटम रिटर्न कर दिए। एंड उसके अलावा जो चीज मुझे बतानी है, आप इस आइटम को सिलेक्ट करो एंड आप इसको अपडेट भी कर सकते हो, राइट। ये दिख रहा है आपको, ये वैल्यूज आप अपडेट कर सकते हैं। फोर्स पार्टीशन की दो डाल दिया मैंने, ये चीज मुझे आप लोगों को दिखानी थी। अगर आप किसी भी यूजर की पार्टीशन आईडी को चेंज करते हो तो ये जो आइटम है ये डिलीट होएगा एंड उसके बाद में वापस से रिक्रिएट होगा। तो मैं चेक कर देता हूँ एंड रिक्रिएट आईडी, ठीक है। एक चीज मुझे जो ये बतानी थी, दूसरी चीज ये बतानी थी कि मैं कहाँ गया, डिटेल्स व्यू टेबल डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ एंड एक्शन पे जाते हैं। एक्शन पे जाके आप देख सकते हो आप जो आइटम्स हैं उनके साथ आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो, मुझे ये भी आपको बतानी है। आप यहाँ पे टेबल को डिलीट कर सकते हो जो मैं अभी आपको नहीं करके दिखाने वाला हूँ, आइटम क्रिएट कर सकते हो, इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो, रिप्लिका क्रिएट कर सकते हो, ये सारे के सारे अलग अलग ऑपरेशन जो है वो आप कर सकते हो। एंड उसके बाद में अपन एक्सप्लोर आइटम पे जाते हैं एंड एक्सप्लोर आइटम पे जाके एक्शन, एंड आप जैसे यहाँ पे ये आइटम सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे आप देखिए क्रड ऑपरेशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ करना है, लाइक आपको अपडेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हो, और लिस्ट तो ऑलरेडी हो ही रहा है, और अगर आपको अपडेट करना है डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, डुप्लीकेट आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो को ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो डायनामो डीबी है ये क्रड ऑपरेशन सपोर्ट करता है, ठीक है। बेसिकली मुझे केवल एक यही लाइन बोलनी है जो घूम फिर के मैं अलग अलग तरीके से बोल रहा हूँ कि आप क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो एंड रीड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बेसिकली मेरे को यही बताना था कि सॉर्ट की क्या होता है, राइट। तो आप जब यूज करते हो पार्टीशन की एंड सॉर्ट की को साथ में, तो पार्टीशन की ये बताता है कि आपका डाटा फिजिकल हार्ड ड्राइव में किस लोकेशन पर रखा हुआ है एंड उस लोकेशन पर मल्टीपल डेटा हो सकते हैं अगर दोनों की सबकी पार्टीशन की सेम है तो, बट उनको अगर सॉर्ट किस ऑर्डर में रहेंगे तो वो सॉर्ट की जो है उसका काम ये सारा रहेगा, ठीक है। दोस्तों तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।